نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا, لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وشفي أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الاولى बुज़ुर्ग ने महतरम बिरदर अज़ीज़ और मेरी इस्लामी बहने अल्लाह तबारक व तबारकवा ने इंसान की फ़ितरत में क़लबी एतबार से दो जज्बे पैदा कर रखे हैं जिन दो जज्बों के तहत इंसान ज़िंदगी गुजारता है दो के बाद कोई तीसरा जज्बा नहीं है हाँ कोई तीसरा ज़्बा अगर नज़र आता है तो वो दो में से किसी की शाख और ब्रांच तो है लेकिन मुस्तकिल जज्बा नहीं है मुस्तकिल दो ही जज्बे कार फरमा हैं एक मोहब्बत का जज्बा है उल्फत का जज्बा है और दूसरा अदावत और नफ़रत का जज्बा है गोया कि दुनिया में इंसान जो ज़िंदगी गुजारता है या तो मोहब्बत के जज्बे के तहत गुजारता है, है। या नफ़रत के जज्बे तो के तहत उतार गुजारता है गोया कि मोहब्बत और नफ़रत ये दो जज्बे इंसान की ज़िंदगी में कार फरमा नज़र आते हैं दोस्तों के साथ गोया के इंसान मोहब्बत के जज्बे के तहत ज़िंदगी गुजारता है और दुश्मनों के साथ नफ़रत के जज्बे के तहत ज़िंदगी गुजारता है और ये एक मुसलमा असूल है कि दुनिया के अंदर इंसान के दोस्त भी होते हैं और इंसान के दुश्मन भी होते हैं तो ये दो बुनियादी जज्बे हैं कि जिसके तहत दुनिया के अंदर इंसान ज़िंदगी गुज़ारता नज़र आता है इसके बाद कोई तीसरा जज्बा नहीं है मोहब्बत है या अदावत है उल्फत है या नफ़रत है इसके तहत ज़िंदगी गुजारता नज़र आता है और अजीब बात यह है कि मोहब्बत का जज्बा दायमी और मुस्तकिल जज्बा है ये दायमी और मुस्तकिल जज्बा है इंसान की ज़िंदगी की बुनियाद ये जज्बा है लेकिन अदावत और नफ़रत वक्ती और आर्जी जज्बा है को ख़ास अहवाल पैदा हो जाते हैं कि इंसान को किसी से नफरत हो जाती है इंसान को किसी से अदावत हो जाती है लेकिन बुनियादी तौर पर इंसान की तबीयत में अल्लाह तबारक व ताल महबत का जज्बा रखा है और मोहब्बत का जज्बा ही इंसान की तबीयत पर गारिब रहता है अदावत का जज्बा ख़ास हालात के तहत सामने आता है क्योंकि एक रद्द के नतीजे में जो अदावत और नफ़रत का जज्बा जाहिर होता है लेकिन मोहब्बत अल्लाह तबारक व उल्फत अल्लाह तबारक व ताल ने इंसान की घुटी के अंदर पैदा की है इसलिए हदीस में नबी करीम सल्ला व्ल् का अर्शाद है कि ला खैरफल्लाफ वफ़ कि उस शख्स के अंदर कोई खैर नहीं है कि जो ना तो ख़ुद किसी से मोहब्बत करता है और ना कोई उससे मोहब्बत करता है जो है कि वह दोनों तरफ से मोहब्बत से महरूम है तो इस शख्स के अंदर कोई ख़ैर नहीं मालूम हो कि असल जज्बा मोहब्बत ही का जज्बा है और यही मोहब्बत रहमत की शक्ल में नज़र आती है और यही रहमत है जो अल्लाह तबारक व की तालफात पर गालिब है चुनाची उस रहमत के तहत अल्लाह तबारक व ने इस कायनात को बना डाला है ये वजह कि अरश इलाही से ऊपर कोई चीज़ नहीं है अरशी के ऊपर सिर्फ एक चीज़ है और वो दस्तावेज़ है जो लिखी हुई है वो ये लिखी है कि रहमती गलबत गलब अला गज़बी कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है तो गोया कि अल्लाह तबारक व ताला ने भी अपनी शान ये बयान कर दी कि मेरा भी असल जो जज्बा है वो रहमत और मोहब्बत का जज्बा है गज़ब का जज्बा असल नहीं है हाँ वो वक्ती ज़रूरत के तहत अल्लाह तबारक व ताल अपना गज़ब तोड़ते हैं अपना कहर नाजिल करते हैं और मज़े की बात यह है कि बसा अवत वो जो नफ़रत और अदावत का जो जज्बा है उसका मनशा भी मोहब्बत होती है मज़े मतलब जैसे अब्बा है अब्बा अपने बेटे की जब पिटाई करता है इजहार नफ़रत करता है वो जज्बा हकीीकी जज्बा नहीं है वो सिर्फ हलक हलग तक की वो नफरत है वो असल में मोहब्बत का इजहार करता है क्योंकि वो अच्छा इंसान बनाकर माशरे में पेश करना चाहता है तो गोया है कि बाप की जो पिटाई है बाप जो उसके बच्चे के कान खींच रहा है उसके पीछे भी असल में मोहब्बत ही का जज्बा है वो ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा इस मुआरे के लिए नासूर बन जाए मेरा बच्चा एक बुरा इंसान बने मेरा बच्चा दुनिया के अंदर भी रसवा हो और आखिर में अल्लाह के सामने भी शर्मिंदा हो इसलिए वो अपना गु़स्सा और नफ़रत जाहिर करता है उसकी पिटाई करता है तो गोया कि अब्बा की जो पिटाई वो हकीकत में वो भी एक मोहब्बत के तहत है क्योंकि वो ये चाहता है कि बच्चा जो इस आरजी कहर और गजब की वजह से आरजी पिटाई की वजह से ये बच्चा सुधर जाए और अपने असलाह करके तौबा करके अपनी असल मंजिल पर आ जाए तो जैसे अब्बा का अब्बा की कि सुन्नत और तरीक़ा है ऐसे रब्बा की भी ये सुन्नत है कि रब्बा भी इंसानों को दुनिया के अंदर जब अजाब के अंदर मुबतला करते हैं उसके अंदर भी असल में शफ़कत और मोहब्बत का जज्बा कार फरमा है अल्लाह का मकसद ये नहीं होता कि इस मखलूक को ख़त्म कर दूँ इनको बर्बाद तबाह कर दूँ बल्कि वह अज़ाब नाजिल करके उनको असल में अपनी मोहब्बत की तरफ लाना चाहते हैं ताकि अगर मिठाई से नहीं सुधरता तो पिटाई से सुधर कर वह अल्लाह तबारक व की तरफ आ जाए इसलिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तालत फरमा दिया कि ज़ाहरफसाद फिलबर्री वल बहरी बिमा कसबिन कि ये ज़मीनों के अंदर समुद्रों में जो फसाद फैला तुम्हें नजर आता है जो इंतशार फैला नजर आता है ये इंसानों की अपने हाथों की कमाई है इंसानों के अपने हाथों के करतूत हैं कि जिसकी वजह से ये दुनिया के अंदर फसाद फैल गया अब इस फसाद को दुरुस्त कैसे करें इन फसादी लोगों को कैसे दुरुस्त करें तो अल्लाह तबारक व तालय ने आगे फरमा दिया ली युजीको बाज़ल्लाजी आमिल हु कि अल्लाह तबारक व ताल दुनिया के अंदर बाद में मुबतला कर देते हैं उनके करतूतों की सज़ा दुनिया में देकर थोड़ा सा अजाब और तकलीफ़ का मज़ा चखाते हैं क्यों मज़ा चखाते हैं लाजून ताकि वह तोबा करके अपने रब की तरफ लौटाएँ तो देखो यहाँ पर भी अल्लाह तबारक व ताल की शफकत और मोहब्बत का जज्बा ही कार फरमा है हालांकि बज़ाहिर उन पर पत्थर बरस रहे हैं बज़ाहिर उन पर गजलजलें आ रहे हैं बजायर उन इंसानों को जो है हलाक किया जा रहा है लेकिन आगे पीछे उसके एक जज्बा वो भी अल्लाह तबारक व ताल की मोहब्बत का जज्बा है कि ये ालिम दुनिया के अंदर ये नादानी की ज़िंदगी गुजारते हैं दुनिया में थोड़ा सा मेरा अजाब चखें दुनिया की फ़ानी तकलीफ़ बर्दाश्त करें हो सकता है कि वो असल जो मंजिल है इनकी आखिरत की कोई लाल लोम यर जून यानी तौबा करके अल्लाह तबारक तरफ लौट आएँ और मरने से पहले पहले जब तौबा कर लेंगे तो मेरे पास जब आएंगे जो हमेशा हमेशा की आखरत है वहां पर किसी भी किस्म के अजाब से महफूज हो जाएंगे तो देखिए अल्लाह तबारक वाले दुनिया के अंदर भी अगर कहर तोड़ तोड़ते हैं गजब नाजिल करते हैं नफरत का इजहार किसी कौम से करते हैं तो उसके पीछे भी मुहबत ही का जज्बा है तो मालूम है कि इंसान की असल मुहबत है यही वजह कि इंसान को इंसान कहते क्यों है बाजा फरमाते कि इंसान का लफ्ज उनस से है उंस का माना मोहब्बत उल्फत तो इस इंसान के अंदर उनस और उल्फत मोहब्बत पाई जाती है ये किसी दूसरे से मानूस हो जाता है कभी किसी दूसरे को अपने से मानूस कर लेता है यहाँ तक कि इसकी चौकट पर कुत्ता चंद दिन गुजार ले तो इसको कुत्ते के साथ ऊंस हो जाती है इसकी चरागाह के अंदर जानवर चंद दिन गुजार ले उस जानवर के साथ इसको हो जाती है। है कि इसकी मलूनी अल्लाह तबारक वालत से पैदा की है इसलिए इंसान उन से है क्योंकि इसके जज्बे के अंदर मोहब्बत गालिब रहती है और एक कौलिया की इंसान निस्यान से है निशियान बना भूल जाना तो यह निस्यान का उनसर जो अल्लाह तबारक ने इसके अंदर रखा है इसका मंशा भी मोहब्बत है इसलिए कि बसौकात इंसान अपनी तारीख और अदावतों को भूलता नहीं है अपने साथ ज्यातियों को भूलता नहीं है तो जब भूलता नहीं तो आगे मोहब्बत का इजहार करने में झिझकता है कि नहीं यार इन्होंने हमारे साथ ये किया नहीं यार इन्होंने हमारे साथ ये किया यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व ताली उस पर निशान तारी कर देते हैं गोक गुजरी जो तकलीफें वो तकलीफें अब उसको कम लगने लगती हैं और अब की जो राहतें और आराम है उसके नतीजे में वो सोचता है कि यार जो हो गया छोड़ो चलो यार अब अब मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारते हैं तो देखो निसीान जो है ये निशान भी अल्लाह तबारक व ताल की राहमत और मोहब्बत के लौटाने के लिए है ताकि ये माजी को भूल कर ये आगे की ज़िंदगी को मोहब्बत उल्फत के साथ गुजार दे वरना इसको अगर अपनी बचपन से लेके अब तक की एक एक अदावत याद रह जाए तो इसके लिए किसी से मोहब्बत करना मुश्किल हो जाए किसी का उल्फत करना मुश्किल हो जाए इसको किसी को माफ़ करना मुश्किल हो जाए माफ माफ़ करता ही इसी नतीजे में है कि उसके जो माजी के जो तकलीफ़ें थी वो तकलीफ़ें इसके ताक निशान में हल्की पड़ जाती हैं वो कहते हैं चलो यार जो हो गया हो गया चलो मैं दिल से तुम्हें माफ़ करता हूँ और सीने जा बात ख़त्म करो तो मालूम कि देखो हर जगह मोहब्बत ही मोहब्बत और मोहब्बत ऐसी चीज़ है कि मोहब्बत के साथ एक और चीज़ लाजिम है जब किसी चीज की मोहब्बत आपके अंदर पैदा होती है तो फिर आपके अंदर इतात का जज्बा उभरता है कि ये जो महबूब है इस महबूब की मैं इतात करूं इसलिए कि कर वो मोहब्बत जिसमें महबूब की इतात ना हो वो मोहब्बत जिसमें महबूब के एक इशारे पर मर मिटने का जज्बा ना हो तो वो मोहब्बत की फिर तस्वीर है मोहब्बत की हकीकत नहीं है मोहब्बत की हकीकत ये है कि मोहब्बत अगर आपको किसी महबूब से हो गई तो फिर उसकी इतात के लिए भी आप तैयार हो जाते हैं और अगर मोहब्बत बग़ैर इतात के है तो फिर ये ऐसे ही है कि दुआँ बग़ैर आग के हो धुआँ बग़ैर आग के नहीं होता अकल इसको मानने को तैयार नहीं अगर धुआँ उठा है तो ज़रूर इसके पीछे आग है अगर एक इंसान सामने आता है यह इंसान है तो ज़रूर ये ख्याल आता है कि इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व ताल नेक़ल की इस्तार और इलम का जौहर रखा है क्योंकि इंसान है ही इसी चीज़ का नाम कि इसके अंदर अल्लाह तबारक व ताली ने इलम की इस्तेदाद रखी है लिहाजा गैर इंसान जितनी मखलूक हैं उनमें किसी में इलम की इस्तेदाद नहीं है तो इंसान का तस्वुर सामने आते ही इंसान के दिल में आता कि हाँ इसके अंदर इलम की इस्तेदाद अल्लाह ने रखी है इसी तरीके से अंदा नाबी का तस्वुर सामने आते कि ये शख्स नाबीना है फ़ौर आप दिमाग में उसके देखने का तवुर सामने आता है कि यार ये नाबीना वो है नाबीने का मतलब है कि ये देख नहीं सकता तो कि देखो आमा के तवर से बसर का तवर दिमाग में फौरन आया जो उसके देखने के बिल्कुल अपोजिट हालांकि अंधे के अंधे के तस्वूर से तो आपके बसर का तवर आना नहीं चाहिए लेकिन आया इसलिए कि यार अंधे का मतलब यह कि वह शख्स है कि जिसमें देखने की सलाहियत होनी चाहिए थी लेकिन किसी अवारज़ की वजह से वो देख नहीं पाता बेचारा उसके अंदर इस वक्त बसारत नहीं है तो बिल्कुल इसी तरीके से बात चीज़ें बाद चीज़ों के साथ लाजिम होती हैं जब उनका जिक्र आता है तो उसके साथ वो दूसरी चीज़ लाजिम नजर आती है बिल्कुल इसी तरीके से जब मोहब्बत का अनुमान सामने आता है तो मोहब्बत के साथ ही इतात भी चली आती है कि ज़रूर इस मोहब्बत के अंदर इतात होगी अगर मोहब्बत बग़ैर इतात की हो तो फिर हकीकत में वह मोहब्बत नहीं है वह मोहब्बत की तस्वीर है और तस्वीर पर आप जानते हैं कि असल का हुक्म नहीं लगता अगर तस्वीर पानी के कागज़ पर हो तो आपकी प्यास भुजती नहीं है तस्वीर अगर खाने की दीवार पर हो आपकी भूख मिटती नहीं है तस्वीर बेड की अगर दीवार पर है आपको आराम नींद मिलती नहीं है गोया कि तस्वीरें अगर कायन के अंदर सब चीज़ों की फैला दी जाएं तो इंसान का मंशा पूरा नहीं होता मालूम का तस्वीर पर हुक्म नहीं लगता असल पर हुक्म लगता है अगर एक गिलास पानी मिल गया असल में तो आपकी वो कई दिन की प्याज भुज जाती है बिल्कुल इसी तरीके से मोहब्बत अपनी हकीकत के साथ जब सामने आती है तो इतात लेकर आती है बस यही फ़लसफा है कुर्बानी का ये ईद अज़ा की कुर्बानी आप जो कर रहे हैं ये मोहब्बत और इतात की दो चीज़ों से मिलावट जज्बा है कि मोहब्बत होती है मोहब्बत के साथ इतात होती है बस ये दो चीज़ों से मिलकर ये कुर्बानी बनती है अगर इनमें से एक तो है दूसरी नहीं है और दूसरी है पहली नहीं है अगर ये दोनों में से दोनों नहीं है कोई एक अगर होगा तो इसका मतलब है कि कुर्बानी अपनी हकीकत के साथ नहीं है बल्कि कुर्बानी की तस्वीरें हैं जो अल्लाह तबारक वाल के सामने पेश की जा रही हैं और तस्वीरों पर अल्लाह तबारक व ताली असल का हुक्म नहीं लगाते बल्कि अल्लाह तबारक वाल तस्वीरों को उस आदमी के मुँह पर मार देते तो बस ईद कीबानियों की हकीकत मोहब्बत और इतात है बस मोहब्बत और इतात है यही वजह है कि इब्राहिम खलील वसलाम वो गोया के मुजस्म मोहब्बत हैं और इसमाही जबी आल सलाम मुजस्मा एतात है बस ये इतात और मोहब्बत मिलकर ये कुर्बानी का फलसफा बन गया कि जब अल्लाह तबारक वाल ने इब्राहिम खलील असलात वाम को हुक्म दे दिया कि तू तो अपने बेटे को ज़िबा कर और हदीस में आता है कि ख्वाब देखते हैं ख्वाब ख्वाब देखते हैं कि बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ सुबह उठे तो बड़े हैरान शशो पंचमें पड़ गए यार ये बेटा इतनी मन्नत व मुरादों से मांगा हैं इतनी अल्लाह से दुआएं करके मांगा लिखा कि उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन जो है सौ साल के करीब थी आपकी बीवी की उम्र भी अस्सी नब्बे साल थी इतनी बुढ़ापे के अंदर दुआएं कर कर के तो इस्माइल मांगा और इस्माइल मिला और इस्माइल जो वह जब इतना बड़ा हो गया आठ दस साल का हो गया और आप जहाँ थे आठ दस साल का बच्चा इंसान को कितना महबूब होता है छोटा गोद का बच्चा शफकत तो आती है लेकिन उसकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं हर उसको उसके पौतरे बदलो वो रोता दूध पिलाओ तो जिम्मेदारियाँ हैं बेशक उन जिम्मेदारियों में भी लुत्फ है लेकिन जब बच्चा आठ नौ साल का हो जाता है तो उस वक्त आपकी आंखों की तस्कीन भी होता है और आपका नन्ना मुन्ना मुशीर भी होता है आप उसको देख के खुश भी होते हैं लेकिन साथ ही छोटे छोटे मशी देता अबू ये यूं कर लेते हैं अब वो यूँ कर लेते हैं तो छोटे छोटे मछी भी देता है आपका मुशीर भी है आपका तस्कीन भी है और छोटा सा एक सहारा भी है कि अगर बूढ़ा बाप अपनी लाठी उठाता है तो जल्दी लाठी उठा के दे देता है बूढ़ा बाप जूती देखता है जूती उठा के दे देता है छोटी छोटी खिदमत भी, भी करता है पानी ला के पिलाता है तो उस बूढ़े बाप की मोहब्बत का आलम क्या हो जाता कितना प्यारा हो जाता है वह बच्चा उसके लिए जब इस उम्र को पहुंचा अल्लाह तबारक व ताले ने खाब दिखा दिया कि अपनी मोहब्बत का इजहार कर इस बच्चे को बा कर दे अल्लाह अकबर ख्वाब देखा तो हैरान हुए सुबह, और ये आठ झीलहजा की रात थी आठ झीलहज्जा की शक व शुबे में पढ़ गए यार ये या रहमान की तरफ से ख्वाब या शैतान की तरफ से सोच रहे इसलिए इस दिन को योम तरविया कहते हैं तरविया कहते हैं कहते है शक का दिन गोया कि ये शक को शबे में सारा दिन गुजरा कि यार ये ख्वाब कैसा देखा मैंने मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ बड़े परेशान किया अल्लाह को वाजे बता क्या मसला है फिर दोबारा सोए नौ जिलहजा की रात थी नौ जिलहजा की रात को ख्वाब देखा फिर जिबा कर रहे हैं वो ही ख्वाब सुबह उठे तो अल्लाह तबारक व तौ ने मार्फत की रोशनी अता कर दी कि यह शैतान की तरफ से ख्वाब नहीं है रहमान की तरफ से मार्फुत मिल गई इसलिए आप जानते उस दिन को योम आरफा कहते हैं पहचान का दिन उस वक्त आपको हक और बातिल की पहचान हो गई कि ये रहमान का ख्वाब है ये शैतान का ख्वाब नहीं इसलिए उसको योम आरफा कहते हैं उसके बाद फिर सोए फिर सोए तो फिर ख्वाब देखा तीसरे दिन कि बच्चे को जीबा कर रहे हैं तो समझ गया कि बस अब अमल करने का वक्त आ गया लिहाजा उसके बाद दस दिन लज्जा जब आई है योम मिना के अंदर पहुंचकर अपने बेटे को जीवा करने के लिए लिटा दिए इसलिए उसको योम नाहर कहते हैं यानी ज़िबा का दिन तो गोवा के योम नाहर गोया के दस जीज्जा को जाकर आप ज़िबा करने के लिए वहां पहुंच गए तो देखिए मोहब्बत का इम्तिहान हो रहा है आपने कभी यह क्यों नहीं सोचा कि यार ख्वाब देने की क्या जरूरत थी सीधी सीधी वही नाजिल कर देते पैगंबर थे अल्लाह कह देते अपने बच्चे को ज़िबा करो क्या बात है ख्वाब क्यों दिया ख्वाब में क्यों दिखाया हुक्म क्यों नहीं सीधी सीधी वही का कर दिया बस इसी को तो इम्तिहान कहते हैं आशकों के इम्तिहान महबूब जब लेते हैं वो इशारे किनाओं के साथ इम्तिहान लेते हैं वो सीधा हुक्म दे के इम्तिहान नहीं लेते अगर सीधा हुक्म दे दे महबूब का ये करो तो फिर तो पता ही नहीं कि उसके अंदर दिल में क्या चल रहा है वो तो मेरे कहने पे कर डालेगा लेकिन दिल उसका मानता नहीं है इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने ख्वाब दिखाया ताकि पता चले ये ख्वाब का बहाना करके छूटना चाहते हैं या ये कि मेरे इशारे को समझ के उससे कुर्बान होना चाहते हैं इसलिए आपको ख़्वाब दिखाया लिहाजा वो ख्वाब क्या कि छूटे नहीं जैसे आज हम में कितने लोग हैं कि जिनको ख्वाब आता है कि उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब उसकी दाढ़ी देख के खुश होते हैं कि माशाल्लाह तुम्हारी दाढ़ी बहुत प्यारी लगी मुबारक हो नबी ये मैं उन लोगों की बात करूँ जिन्होंने मुझे खुद ये बात सुनाई और मीडिया पेशा सुन भी कभी रहे हों लेकिन माशाल्लाह आज तक दाढ़ी रखी नहीं उन्होंने आज तक दाढ़ी रखी नहीं जबकि बताया कि यार ये तो रसूल ने आपको दाढ़ी की मुबारक दी है इसका मतलब ये है कि अगर नबी की सुन्नत के साथ चेहरा तेरा मुनवर हो जाए तो रसूल अल्लाह तुझ पर बरकत की दुआ कर देंगे मोहम्मद तो पूछा यार आपने दाढ़ी नहीं रखी कहते यार जी बस दुआ करें जी दुआ करें खाना खाते हुए कभी दुआ नहीं कराता कि हजरत दुआ करें मैं खाना खा लूँ दुआ करें मैं पानी पी लूँ कहा जी दुआ कर भाई खैरियत क्यों नहीं रखी भाई इतने साल पहले तुम्हें बशारत मिली थी कहा था ख्वाब था वो तो कोई ख्वाब ख्वाब की बात है वो ख्वाब कोई हकीकत तो नहीं होता बस मैंने कहा बस मैंने कहा असल में अल्लाह तबारक व ताला ने भी आशकों को बताने के लिए कुरान करीम में एक ख़्वा का जिक्र किया एक आशके सादि का ख़्वाब ही जिक्र किया उस ख़्वाब की वजह से उसने अपने जवान बेटे को ़िबा करने के लिए छुरी के नीचे रखा ताकि हम लोगों को अल्लाह बता दें कि ख़्वाब मामूली बात नहीं है जब शरीत वसन्नत के मुताबिक अल्लाह की तरफ़ ख़्वा में कोई रहनुमाई हो जाए इसका मतलब एक अल्लाह तबारक व ताल की नज़र इनायत तुम पर पड़ गई है लिहाजा आगे बढ़ कर की सुन्नत के अपने चेहरे को मुनवर कर लो क्योंकि इब्राहिम सलात खल खली सलाम को यह मौका नहीं था कहने का यार खा भी तो है बेटा जिबा कर रहे हैं यहां दाढ़ी की तो बात ही नहीं दाढ़ी तो वैसी ऐसी चीज है कि फित्र तौर पे खुद ही आती है आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है बल्कि काटने में आपको मेहनत करनी पड़ती है खर्चा करना पड़ता है उसको रखने में तो कोई मेहनत की जरूरत नहीं अल्लाह तबारक तआला ने यह नूर खुद ब खुद आपको अता कर दिया है तो इब्राहिम खलुल्लाम चूंकि मोहब्बत की मलूनी से पके हुए थे उन्होंने ये पलट के पूछा नहीं कि खाब खाब की बात है यार कोई बात नहीं और फिर यह भी नहीं पूछा कि पहले दिन शशोच पंज में रहे यार, पता नहीं शैतान का खाब है ख्वाबान का खाब है और मैं और आप होते अगर आपका महबूब की तरफ से कोई इशारा मिलता आपका तो यार महबूब ने यह बात कही ये तो बड़ी मुश्किल बात है चलो यार महबूब से वेरिफिकेशन करें पहले वेरीफाई कर लें भाई क्या आपने कहा भी है कि नहीं ये होता है ना जैसे मजनू मजनू को लैला ने कह दिया था अपनी रान का गोश्त काट के दे दे मुझे कहा था ना इम्तिहान ले रही थी कि ये वाकई असली मजनू है कि नकली मजनू है इश्क में सच्चाई या जो झूठा है उसने पलट के ये नहीं पूछा लैला से क्योंकि खादमा ने आके पैगाम दिया कि लैला कहती यहां छुरी से गोश्त काट के दे दे उसे नहीं कहा अच्छा मुझे जरा वेरीफाई करने दो कि लैला ने कहा भी है कि नहीं भाई गोश्त काट रहा है ये नहीं, नहीं पूछा अच्छा गोश्त काट के उस पर रख दिया पता नहीं इस रान का मांगा कि इस रान का मांगा गोश्त की बोटी काट के रख दी बस इसी तभी तो अल्लाह तबारक व ताली ने लैला मजनू की मोहब्बत जो कि के के नाजायज़ मोहब्बत है अल्लाह तबारक वाली ने क़्यामत तक के लिए इस दासान मोहब्बत को ज़िंदा रखा है ताकि अल्लाह के सच्चे आशकों को शरम आ जाए कि झूठे आशकों की हालत यह है तुम सच्चे आशिक बनकर कहाँ जा रहे हो हमें शर्म दिलाने के लिए अल्लाह ने उनकी दास्तान मोहब्बत जो एक झूठे झूठे मोहब्बत में सच्चे नज़र आए तो अल्लाह तबारक वाल उनकी दास्तान को कायम रखा आज अल्लाह के जो आशिक हैं वो लैला मजनू की मिसालें देखकर अल्लाह तबारक वताल की मोहब्बत इश्क की दास्तानों को मुनवर करते हैं तो इब्राहिम खलील आ सलाम ने शक पढ़ रहा जिस दिन में ये नहीं पूछा यहाँ शक को शुका शुबा पढ़ गया वो आप ही की तरफ से हुक्म है वो ख्वाब आपकी तरफ से या शैतान की तरफ से है पूछ सकते हैं कि नहीं क्योंकि धर है वो तो पैगम्बर है पूछ सकते थे नहीं पूछा सारे दिन इसी में गुजारा और अल्लाह की इबादत में लगे रहे शहीदों में गिरे रहे और सोचा नहीं कि नहीं अगर महबूब का इशारा है तो मैं अपने बेटे को बा करने को तैयार हूं और वही हुआ कि जब बात खुल गई तो बस मोहब्बत पता चल गई और उन्हें योम नहर में अपने बच्चे को तैयार किया और मीना में पहुँच कर उसको ज़िबा करने के लिए छुरी के नीचे रख दिया तो आसमान के फरिश्ते भी हैरान हो गए ए अः जलाल ये क्या कर रहा है यह तो अपना वो बेटा जो कितनी मुरादों से कितनी दुआ और तड़प के साथ मांगा है उसको ज़िबा कर रहा है और ज़िबा करने से पहले क्या किया बच्चे से पूछ रहे हैं जब जा रहे हैं रास्ते में तो बच्चे से पूछ रहे हैं या बुनैया ए मेरे बेटे इन्नी अराफिल मनाम मैंने ख्वाब देखा है मैंने ख्वाब देखा है मैं तुझे िबा कर रहा हूँ अन्नी अजबाक मैं तुझे िबा कर रहा हूँ ये ख्वाब देखा है फंजुर माजा तरा तेरी क्या राय है हालांकि बच्चे की राय क्या राय होती है क्या कहना चाहते हैं असल में खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम यह बताना चाहते हैं निरी मोहब्बत नहीं इतात भी जब होगी यह मोहब्बत इतात जब मिलेगी यह अल्लाह तबारक वाल की सच्ची इबादत का इजहार होगा इसको कहते हैं कि अल्लाह तबारक वाल अपने कुरब की मंजिल उनके लिए खोल देंगे अल्लाह अकबर वो युवा पूछा कि तेरी क्या राय है मैंने ऐसा ऐसा देखा अब वो बच्चे की इताज जाहिर हो रही है वो कहते या अहबा या आप अतिफल मातों पर ऐ मेरे अब्बा जी ऐ मेरे प्यारे अब्बा जी आपने जो आपको हुक्म दिया गया वो कर जा रही है सता जिदुनी इन्नी सतज सत सताजुनी इन शाबरीन कि आप मुझे फिर सबर करने वालों में से पाएंगे मैं नीचे तड़पूंगा नहीं मैं अल्लाह तबारक व पर अपने खून का नजराना पेश कर दूंगा आप मुहब्बत का मुजस्म बन के सामने आ रहे हैं मैं इताद का मुजस्म बन के आऊँगा अब मोहब्बत और इताद जब मिलेगी तो कुर्बानी का हक अदा हो जाएगा यह है कुरबानी का फलसफा यह जो हम जानवर ज़िबा करते हैं हकीकत में अल्लाह तबारक व तौ के दरबार में अपनी मोहब्बत को पेश करते हैं अपना नफ्स जिस नफ्स से हम मोहब्बत करते हैं नफ्स हमारा महबूब है हम नफ्स की इताद में ज़िंदियाँ गुजारते हैं हम अपना महबूब जो नफ्स है जिस नफ्स के कहने पर खाते हैं पीते हैं ख्वाहिशात के दीवाने हैं तो उस नफ्स को निकाल कर वह नफ्स का जो जानवर है वो निकाल के अल्लाह के सामने पेश कर देते हैं और पेश करने के बाद यह पेश करना गोया कि मोहब्बत का इज़हार है कि अल्लाह सबसे ज़्यादा महबूब जिस नफ्स को हमने बना रखा था आज हम तेरे सामने उसको पेश कर रहे हैं और फिर इताद का इजहार है कि अल्लाह तेरी तकबीर की छुरी से अपने इस नफ्स के गले पे छुरी चला के इतात का भी इजहार कर रहे हैं अब ये नफ्स हमारा तेरा ऐसा मुती हो गया है ऐसा मुती हो गया है जैसे ये जानवर हमने जो जिबा किया इसकी अब मरने के बाद आंखें तो हैं लेकिन देखती नहीं हैं कान तो है लेकिन सुनते नहीं हैं जबान तो है लेकिन बोलती नहीं है हाथ पैर तो हैं लेकिन चलते नहीं हैं दिल दिमाग तो है लेकिन सोचता समझता नहीं है या अल्लाह आज अपने अपने नफ्स का जो जानवर था हमने अपनी मोहब्बत का इजहार करके तेरे सामने पेश कर दिया और इताद का इजहार करके उसके गले पे तकबीर की छुरी से उसका गला काट दिया अल्लाह अब हमारी आंखें तो होंगी लेकिन अब गुनाह नहीं करेंगी हमारे कान तो होंगे लेकिन अब गुनाह नहीं करेंगे जबान तो होगी लेकिन अब मासीत नहीं करेगी हाथ पैर तो होंगे लेकिन गुना की तरह नहीं बढ़ेंगे दिल दिमाग तो होगा लेकिन अल्लाह तेरी बगावत गुना को आप कभी नहीं सोचेंगे तो ज़बान हाल से उस जानवर को पेश करके इसने ही बता दिया कि मोहब्बत और इताद का जज्बा पेश कर रहा हूँ या ये जो जानवर बा किया ये हकीकत में ये तो मुजस्म जानवर असल में मैंने अपने अंदर का जानवर बा किया है क्योंकि हर इंसान के अंदर भी तो जानवर है जानवर में पांच ही औसाफ होते हैं वो देखता भी है वो सुनता भी है वो बोलता भी है वो सूंघता भी है वो चलता फिरता महसूस भी करता है पांच हवास होते हैं और पांचों हवासों से इंसान गुना करता है इंसान भी देखता है जानवर की तरह इंसान भी सुनता है जानवर की तरह इंसान भी बोलता है जानवर की तरह इंसान भी चलता है जानवर की तरह इंसान भी सोचता है जानवर की तरह गोया कि इस जानवर वाले पाँचों औसाफ़ इस इंसान के अंदर मौजूद हैं और ये पाँचों पाँचों और की वजह से अल्लाह तबारक व ताल की मार्शियत गुना करता है कभी आँख का गुना करता है कभी कान का गुना करता है कभी जबान का गुना करता है कभी नाक का गुना करता है कभी हाथ पैर के जो जब लमस का गुना करता है तो अल्लाह तबारक वाल के सामने जब कुर्बानी करके जानवर को बा कर देते हैं तो गो कि हम अपनी पाँचों हवास वाला जो जानवर था उसको िबा कर दिया और जब बा कर दिया तो फिर गुनाह कहाँ से होंगे अब आँख गुना नहीं करेगी अब जबान गुनाह नहीं करेगी अब कानस गुनाह नहीं करेंगे हाथ पैर गुनाह नहीं करेंगे क्योंकि हमने वो जानवर िबा ही कर दिया है अब जैसे ज़िबा शुदा जो जानवर है उसके सारे आजा उसी तरह नजर आ रहे हैं लेकिन अब उनके अंदर कोई हिस्स नहीं है वो देखता नहीं बिल्कुल इसी तरीके से मोमिन सदक अपनी मुहब्बत का इजहार करके अपने नफ्स को जानवर का कर िबा करके अला से याद कर लेता है या अल्लाह मैंने बस अपने नफ्स के जानवर को आपबा कर दिया है आज के बाद मेरे वजूद से कोई गुना शादिर नहीं होगा अल्लाह तबारक वाले उसके जज्बे की ऐसी

क्या मोहब्बत और इतात ये दो चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर अल्लाह तबारक व ताल की इबादत का जो लुत्फ़ होता है वो इबादत फिर अपनी रवानी की तरफ दौड़ती है और दुनिया में रहते इंसान को जन्नत का मज़ा आने लगता है और इंसान इस हकीक़त को समझ जाता है कि जो मैं सईद करता नजर आता हूँ जो अल्लाह के साथ झुकता नज़र आता हूँ ये वह महब्बत का इजहार है इसलिए कि जिस मोहब्बत में इतात नहीं है तो गोया कि वह वो मोहब्बत की तस्वीर है मोहब्बत की हकीकत नहीं रहती इसलिए कुर्बानियों के वक्त भी इस जज्बे को दिमाग में रखो आपने इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में जानवर भेज दिए बा के लिए मक्का भेज दिएबा के लिए लेकिन आप इधर बैठ कर रोज़ मुराकबे करो कि या मैंने अपने नफ्स का जो जानवर था वीबा के लिए भेज दिया है या अल्लाह आज मैं तुझसे अहद करता हूँ मैंने जिस तरह जानवर को बा कर दिया है या अल्ला अपने नफ्स की ख्वाहिशात को मैंने बिल्कुल इसी तरह ़िबा कर दिया अब तेरे सिवा मेरी अब कोई ख्वाहिश नहीं मैं तुझसे तुझे ही पाना चाहता हूँ मैं तुझसे तेरा गैर नहीं पाना चाहता तुझसे तुझे ही पाना चाहता हूँ और ये फरमाते हैं हजरत ख्वाजा सैयद अली हजवेरी रहमत मारूफ दाता गंज बख्श गंजबाब रहमतल्ला वो फरमाया करते हैं कि इबादत की हकीकत इंसान को उस वक्त तक हासिल नहीं होती जब तक कि वो अल्लाह से अल्लाह ही को ना पाने का जज्बा पैदा करे अल्लाह से फरमाया अल्लाह से अल्लाह के गैर को पाने का जज्बा है तो फरमा फिर वो इबादत इबादत नहीं है इबादत की हकीकत यह है कि अल्लाह को अल्लाह से पाना है अल्लाह के गैर को पाने का जज्बा इसका फनी फना हो जाता है तो अल्लाह तबारक व वाल इसको बका का मकाम अता करके अपना कुर्ब दे देते हैं तो बस इस जानवरों को बा करने में इसी तस्वुर को जब इंसान सामने रखता है और फिर अल्लाह तबारक वाले वा ने कुर करीम में हजर इब्राहीम सलात छुरी चला रहे हैं चोरी चला रहे हैं हरे जिब्रत वसलाम आसमानों से तशीफ ला रहे हैं पूरे आदमी आलमी वालकुती में, में हलचल मिच गई अरे बेटा जिबा कर रहे हैं जबील्ल्ला बेटा जिबा कर रहे हैं अरे दौड़ो दौड़ो जल्दी से रोको और मजे की बात यह है कि इस्माइल जबील्ला जो बोले कि सतज उद्न्नी सतजनी इन शाबरीन कि आप मुझे सबर करने वालों में पाएंगे सब्र का सब्र इस्ताम का पहाड़ जो बोल रहा है ये इताद का जो इजहार कर रहा है इसलिए बाद अल्लाह वालों ने लिखा है कि इसमाइल जबील्ला के अंदर जो इताद का इजहार बोल रहा था वो हकीकत में नूर महमद ही बोल रहा था हमारे पैगम्बर का वो नूर बोल रहा था उनके माथे में वो नूर नबूबत था आखिरी नबी का वो नूर था नबी की वो इताद बोल रही थी वो जो उनके अंदर नूर था और सारे नबी और बनी बनी इसहाक के अंदर बहुत नबी आए लेकिन इसमाइल से एक ही नबी था और वो एक नबी ऐसा आया कि सारे नबियों पर छा गया अल्लाह अकबर मोहम्मद तो फरमाया कि असल में वो नूर मोहम्मद ही बोल रहा था कि सतनी इन साबित मुझे सबर करने वालों में से पाएंगे अल्लाह के सामने अह मेरे अब्बा आपको शर्मिंदगी नहीं होगी कि अब्बा का जज्बा इतना बुलंद कि अपने प्यारे बेटे को लेकर छुरी के नीचे रखा हो और बेटा नीचे बेसब्री करके आपको अल्लाह के सामने शर्मिंदा कर दे मेरे अब्बा ये नहीं होगा आप छुरी तो चलाइए इन उफरी करूँगा और सब्र इस्तामत के साथ इस कुर्बानी को बर्दाश्त करूँगा कि अल्लाह के नाम पर आपने मुझे कुर्बान कर दिया और ये मेरे लिए एक शहादत होगी मेरे लिए कोई इसी किस्म की परेशानी मुसीबत नहीं है तो बच्चे ने भी बाप का साथ देकर हक अदा कर दिया कि साबरीन आप मुझे सतरी सब्राम का पहाड़ पाएंगे और वही हुआ कि सब्र इस्तकत का ऐसा पहाड़ बना अल्लाह तबारक वाले फरिश्ते हैरान हो गए एक इंसान गोश पोश का इतना साबिर हो सकता है एक आठ साल का बच्चा इतना साबिर हो सकता है हालांकि बच्चे तो दहशत महसूस करते इन चीजों से लेकिन असल में उस मासूम बच्चे के अंदर तो नूर मोहम्मद ही छुपा हुआ था नूर मोहम्मद ही बोल रहा था वो नूर मोहम्मद ही अपनी इत को कर रहा था आठ साल का वैसे घबरा जाए नूर मोहम्मद ही था जिसने कहा तैयार हूं और वो कि उसका मुझ पर जो मुसीबतें टूटी नबूबत के काम में उसका अशीर अशीर भी नहीं हो सकता लेकिन मैं सबर इस्तकाम का पहाड़ बना रहा मैं अपने अल्लाह के लिए सब कुछ बर्दाश्त तभी दिन आज हम तक पहुंचा तो हकीकत यह है तो यह जब कहा तो अल्लाह तबारक व ताल ने फौरन एलान फरमा दिया कि अंया इब्राहिम हमने पुकारा इब्राहिम को इब्राहिम रोया तो को सच्चा कर दिया वहाँ भी रोया फरमाया तो अपने पलट के हमें पूछा भी नहीं कि आप ये चाहते भी हैं कि नहीं वही है भी नहीं।, नहीं आपने खाब पर अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया फरमाया कहसिन इसी तरीके हम जो ऐसा नेकी करने वालों को बदले देते हैं जो आजीब्रत आसमानों से जन्त का दुम्बा लेके आ गए जन्त का दुम्बा लेके आ गए तो हकीकत यह है और लिखा है कि ये जो तकबीरात तशरीक हम पढ़ते हैं ये कैसे मोजू हुई इब्राहिम सलातम ने जब छुरी फेरी तो इसमें ला अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर यह क्या कोई छुरी फेर रहे हैं तो इस्माइल बोले ला लाला अकबर और इधर सलात आसमानों से उतरे फिर मैं अल्लाह अकबर वल्लामद तो गोया कि ये जो कलमात तकबीरात तशरीक ये तीन नफूस कुदसिया के इशराक के साथ बने हैं इब्राहिम ने कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर और जबील्लह ने कहा अकबर और आसमान से फ़रिश्ता उतरा फरमाया कि अल्लाह अकबर वली बस ये बात पूरी हो गई तेरी बात और हमने दुमबा जन्नत की उतार दिया अब जैसे ज़िबा करी आंखें खोली तो दुम्बा जिबा हुआ हुआ है इधर देखा इसमाइल पत्थर पर बैठे हंस रहे हैं कि अब्बा जान तेरी इश्क और मोहब्बत की दास्तान भी सच्ची हो गई और अल्लाह की कुर्बानी भी मंजूर हो गई अल्लाह अकबर इसको कहते हैं कुर्बानी इसलिए अल्लाह तबारक वाले ने इन तकबीरात को फिर हम पर लाजिम कर दिया कि आप नौ नौ झीलहजा की फजर से लेकर तेरह झीलहजा की असर तक हर नमाज का सलाम फेरने पर आप ये तकबीरात बुलंद आवाज से पढ़ें एक मरतबा बुलंद आवाज से पढ़ना वाजिब है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर लाइलाकबर अल्लाह अकबर वली हमद और तीन दफा बुलंद आवाज से पढ़ना नबी पाक की सुन्नत है कि तीन मरतबा बुलंद आवाज से पढ़े लिहाजा इमाम जैसे सलाम फेरे फेरते ही पड़े अल्लाकबर अल्लाकबर लालाकबर अल्लाकबर वलीमद इसलिए कि ये जो तकबीरत हैं मैंने बताई ये तीन नफुस कुदसिया तीन अल्लाह तबारक व ताल के आश आने खुदा ये उनके आपस के अश्तराक के साथ ये वज़ा हुए हैं इसलिए अल्लाह तबारक व ताल नेमत तक इसको इबादत बना दिया और ये औरतें घरों में भी पढ़ेंगी और अपनी नमाज जब सलाम फेरे वो आहिस्ता आवाज के साथ उसके लिए भी एक मर्त पढ़ना वाजिब है और तीन एक मर्त पर पढ़ना वाजिब और तीन मरतबा पढ़ना उसके लिए सुन्नत है यहां तक कि आप अगर अकेले नमाज मस्जिद में पढ़ रहे हैं या घर में पढ़ रहे हैं आपको वहां पर भी इस तकबीरात को बुलंद आवाज से एक बार पढ़ना वाजिब है और तीन बार बुलंद आवाज से पढ़ना आपके लिए सुन्नत है बहुत से लोग समझते हैं कि जमात की नमाज में तो पढ़ लिया इमाम के पीछे पीछे अकेले पढ़ दो कोई पढ़ते ही नहीं शर्माते हैं शर्म किस बात की अरे ये यहाँ शर्मा गए तो फिर मारे जाएंगे शर्माना हो तो किसी और जगह शर्माओ उस अल्लाह को उस अल्लाह के सामने शर्माते हो तकबीर कहते हुए जिस जो आपका हर हाल में रब है इसे जुनून मिस्री रहमत फरमाते हैं बंदगी की हकीकत तो यह है कि बंदा हर वक्त अल्लाह का बंदा बन के रहे जैसा कि उसका रब हर वक्त उसका अल्लाह बना के रहता है हमारा रब तो हर वक्त हमारा अल्लाह है तो फिर मैं कि तुम फिर अल्लाह के हर वो बंदे बन क्यूँ के रहते हो लिहाजा ये बंदगी की शान ये है कि तुम बुलंद आवाज़ से कहो बग़ैर लाइम की क्योंकि ये तो ये तो शरीयत का हुक्म है लिहाजा बहुत से लोग इसमें कोताही करते हैं कि वो बुलंद आवाज़ से तकबीर कहते नहीं हैं ये सोच के कि यार बस आहिस्ता कर लो बल्कि आहिस्ता का एहतमाम नहीं करते लेकिन ये कहना वाजिब है ये वाजिब है और वाजिब का तर्क गुना कबीरा होता है इसलिए इस मसले को भी आप पूरी दुनिया के लोग भी नोट कर लें कि एक मरतबा कहना जो वाजिब है बुलंद आवाज से और तीन मरतबा बुलंद दवासे का ना है। तो कहने का मकसद ये, अल्लाह तबारक वाल ने जब इब्राहिम की कुर्बानी को कबूल कर लिया तो क्यामत तक के लिए अल्लाह तबारक सुन्नत बना दिया चाहे साहब रिजवान ने नबी करीम से पूछा यारियों की हकीकत क्या है इस कुरबानी की तारीख क्या है इसका फलसफा क्या है आपने फिर मैं सुनतो अबी कोब्राहिम यह तुम्हारे अब इब्राहिम की सुनत है उस पर पूछा माफी हाजिल अजाही हमें कुर्बानी करने से क्या फायदा होगा देखो तो साहबा की कब्रों पर अल्लाह करोड़ा रहमत करे हर मसले का हल और उस पूछ के हमें बता गए कि माफी हाजिल अजाही हमें क्या मिलेगा आपने बिल्कुल निशार दिल हास ना फर्मा के हर एक जानवर के बाल के बदले में तुम्हें एक नेकी मिलेगी और एक रिवायत में आता हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी और एक गुनाह माफ होगा और एक दर्जा बुलंद होगा अब जानवर की खाल पर कितने बाल होते हैं बकरे पे कितने बाल बैल पे कितने बाल गाय पे कितने बाल अब ये बालों की बात तो साहब ने सुनी तो सवाल उनके दिल में है कि यार दुम्बे के ऊपर तो बाल नहीं होते उसमें ऊन होती है और ऊन के अंदर इतने रेशे होते हैं भेड़ के ऊपर ऊन होती है फरमा के फमा सूफ या अल्लाह जिन यारसल्ला जिन जानवरों के ऊपर ऊन है वो ऊन तो बहुत ज़्यादा होती है उसके बारे में क्या हुक्म है तो नबी ने क्या फरमाया बिल्कुल इशार तुम्हें सूफ ही हंसना फरमाया तो सूफ के हर रेशे के बदले में अल्लाह एक नैकिया था करते अगर दुम्बा ज़िबा किया उसके एक एक रेशे के बदले में तुम्हें तो नकियां मिलेंगी एक एक रेशे के बदले में गुनाह माफ होंगे और एक एक रेशे के बदले में अल्लाह के सामने तुम्हारे दर्जे बुलंद हो जाएंगे तभी हमारे मुल्कों में रिवाज था कि लोग दुम्बा ज़िबा किया करते थे चक्की वाला दुम्बा क्योंकि चक्की के ऊपर भी बहुत बड़े बाल होते हैं मकसद क्या नेकी पे नजर थी ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा नकियां मिल जाएं अगर जी आज हमारी नज़र गोश्त पे होती है यार मटन कढ़ाई बनानी है यार मटन ला बकरा लाभ बकरो यार दुम्बे का गोश्त यार चर्बी वाले किसने खाना है यार लेसदार होता है हमारी खाने पीने पर नज़र है ये कैसे आशिक है नहीं नहीं ऐसा इस नीयत से कभी ऐसी निगाह न रखना क्योंकि गोश्त खाने की नीयत से अगर जानवर कुर्बान किया अल्लाह के यहाँ तो कबूल भी नहीं है कबूल भी नहीं है इसे ये नीयत ना रखो कि यार बकरा जी बकरा के बकरे का गोश्त यार वैसे महंगा हो गया चलो कुर्बानी के बहाने खा लेंगे नहीं अब इमर के सात हिस्सेदारों में अगर एक बंदे की भी नीयत गोश्त खाने की हो गई तो शरीयत का मसला कि अल्लाह तबारक व के किसी की कुर्बानी कबूल नहीं इससे इसमें बड़ी अच्छी क्योंकि ये तो मोहब्बत का इजहार और इतात की इतात की अबदियत शो करनी है लिहाजा यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला से अल्लाह ही को मांगना अल्लाह के गैर पर निगा ना हो वो अलग बात है कि अल्लाह तबारक व ताला आपकी कुर्बानी के गोश्त को कबूल करके आप ही को वापस कर देता है कि तुम भी खाओ अपने दोस्तों अजीज़ों को भी खिलाओ और गरीबों भी तकसीम कर दो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक वाली सच्ची और नेक नीयतों के साथ इस कुर्बानी को करने की तोफ़ी ताफ़रमाए और जिन्होंने जानवर भेज दिए हैं वो हम रोज़ मुराकबा किया कर, या अल्लाह मेरा जज्बा यह है कि मैंने अपने जानवर अंदर का जानवर अजीबा किया है या अल्लाह मुझे अपने नफ्स पर काबू दे दे ताकि नफ्स पर जिस दिन काबू आ गया इमाम गज़ाली फरमाते हैं जिसका कदम अपने नफ़्स की गर्दन पर आ गया पहला कदम फरमा दूसरा कदम उसका जन्नत में होगा अल्लाह ताली अमल की तोफ़ी ताँ फ़रमाए वाखिरमाना रमिला आज का ख़ुतबा स्पॉन्सर किया है न्यूयॉर्क से अली शेख हमारे सबिर साहब जी उनके साहिबजादे अली शेख मस्जिद के पड़ोस में ही रहते हैं उन्होंने आज का खुतबा स्पॉन्सर किया है अल्लाह तबारक वाली इनकी स्पॉसरशिप को कबूल फ़रमाए ज़ाहरी बातरी दौलतों से माला माल फरमाए और जो भी जायज़ इनकी दिली मुरादें हैं अल्लाह तबारक वाली उनको पूरा फरमाए और हमारे साथ जो है ये इनका ताउन और रहम टी वी के जरिए से पैगाम पूरी दुनिया के अंदर पहुँचा और फिर सोशल मीडिया पर सदका सजा बन के चलता रहेगा उसका पूरा पूरा अजरत सबाब अल्लाह तबारक व इनको अता फ़रमाए वमा अलीना व मालीन मुबीन